नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अरवी ब्लॉग ऑफिशियल पे। आज मैं अपने व्यूवर्स के कमेंट में जो भी पूछे गए क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगा। मतलब ये हमारा क्वेश्चन आंसर एपिसोड 2 है। और आप लोग सर नए हैं तो हमारे चैनल पे को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो आप लोग सर वीडियो देख के निकल जाते हैं और उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सर आपका कुछ लगता नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। तो पहला कमेंट है एक हमारा स्मिथ वेसन के ऊपर, एक वीडियो आया था स्मिथ वेसन रिवॉल्वर इंडिया में जो बन रही है उसके ऊपर। उसमें एक व्यूअर्स ने हमसे जवाब पूछा है रेंज गोली कितने दूर तक वार करती है स्मिथ वेसन का। तो सर रेंज मैंने पहले भी बताया है कि वेपन अगर हम रिवॉल्वर या पिस्टल की बात करें तो पिस्टल की गोली या रिवॉल्वर की गोली मतलब ट्रैवल जो है 600-700 मीटर तक करती है। तो रेंज ये इसका जवाब एग्जैक्ट देना बड़ा मुश्किल है कि कितने दूर तक जाती है। मतलब आप वन हैंड एक हाथ से अपने टारगेट को 25 मीटर तक शूट कर सकते हैं, मतलब लॉजिकली, और दोनों हाथ से अपने टारगेट को 50 मीटर तक शूट कर सकते हैं। बाकी गोली का दूरी अगर तय करने की बात है तो गोली तो 600-700 मीटर तक दूरी तय करती है एक रिवॉल्वर की। तो दूसरा क्वेश्चन है सर अटल पिस्टल की बात कीजिए थोड़ी, उसकी प्राइस कितनी है। तो सर अटल जब तक मैं हाथ में लूँगा नहीं, जब तक मैं उसको टच एंड फील नहीं करूँगा उसके बारे में बता नहीं सकता। और प्राइस तो ऐसे भी सर मैं किसी भी वेपन का एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता। एक हमारे व्यूवर्स ने कमेंट किया कि फायरिंग वीडियो डाले। तो सर मैंने पहले भी बोला है कि फायरिंग वीडियो जब मैं रेंज पे फायर करूँगा, चूँकि अभी दीपावली छठ दशहरा बहुत मैं रेंज पे गया नहीं और मैं जनरली ऐसे फायर करता नहीं, तो जब भी मैं फायरिंग रेंज पे जाऊंगा, फायरिंग किसी भी वेपन का करूंगा तो मैं ज़रूर उसका एक फायरिंग वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊंगा। एक व्यूअर्स का क्वेश्चन था एनी अपडेट ऑन स्मिथ वेसन 686। तो सर कोई जानकारी ना कंपनी के ब्रोशर में है ना कंपनी ने मुझे दिया है, तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता। एक हमारे व्यूअर्स ने कहा है सर आपने 32 स्मिथ वेसन बुक किया है तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए वो वेपन ठीक है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है उसके बारे में राय 7 शॉट भी कंप्लीट स्टेनलेस स्टील है 357। तो 357 मैग्नम जो रिवॉल्वर है उसके बारे में कंपनी ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है कि वो कब तक लॉन्च होगा और उसका प्राइस क्या है। तो सर मैं जब तक कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता मैं भी कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हमारे व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन किया था कि मैंने मुजफ्फरपुर से एक वेपन के लिए अप्लाई किया था, वो आर्मी पर्सन है और 3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई डीएम ऑफिस से जवाब नहीं मिला, मतलब कोई अपडेट नहीं है, तो क्या करें। तो सर सबसे पहले अगर आपका 3 महीना पूरा हो चुका है आपके फ़ाइल को सबमिट किए हुए, जब आपने फर्स्ट टाइम अपने फ़ाइल को सबमिट किया था बाई कूरियर, मतलब बाई स्पीड पोस्ट और बाई हैंड, उसके बाद से अगर 3 महीने हो चुके हैं और आपको डीएम ऑफिस से या लाइसेंसिंग अथॉरिटी से कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप प्रॉपर एक पेंडेंसी का रिट फाइल कर सकते हैं हाईकोर्ट में। चूँकि 2016 आर्म्स एक्ट के बाद ये रूल आ गया है कि 3 महीने के अंदर किसी भी फाइल का निष्पादन करना ज़रूरी है, मतलब चाहे वो यस, मतलब आपको अगर देना है तो वो देंगे और अगर कैंसिल करना है तो वो कैंसिल भी करेंगे, लेकिन वो 3 महीने के अंदर आपको मतलब जवाब मिल जाना चाहिए। और अगर आपका 3 महीना पूरा हो चुका है आपके फाइल का और आपके फाइल का कोई प्रॉपर जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप एक पेंडेंसी का रिट हाईकोर्ट में फाइल करें। ये 1-2 से 3 डेट का ये केस होगा और उसमें आपको हाईकोर्ट से ये ऑर्डर मिल जाएगा, मतलब डीएम साहब या लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ये ऑर्डर हाई कोर्ट देंगे, माने कि कुछ जो टाइम फ्रेम हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में जो टाइम फ्रेम देंगे कि उस टाइम फ्रेम के अंदर इस फाइल का को इस फाइल का निष्पादन करें, मतलब यस में जवाब दें या नो में जवाब दें, वो तो फिर डीएम साहब के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि आप जब आर्मी से हैं तो आर्मी पर्सन को लाइसेंस में इतना दिक्कत नहीं होता है। चलिए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि वीडियो सियाल फॉक्स और ग्रेटा डिफेंडर 32 का एक वीडियो बनाए। तो सर जब तक ये वेपन मैं टच एंड फील नहीं करूँगा, मेरे हाथ में नहीं आएगा, मैं इसका वीडियो नहीं बना सकता। फिर एक हमारा स्मिथ वेसन के ऊपर एक वीडियो था जिसमें स्मिथ वेसन लॉन्च हो रहा है इंडिया में, उसके ऊपर था
तो उसमें एक व्यूवर्स ने हमसे जवाब हमसे क्वेश्चन किया था कि सर आपने इस वीडियो में एमुनेशन लॉन्च की बात कही बात नहीं बताई, तो सर इस वीडियो में या इस कंपनी के ब्रोशर में या वेबसाइट में जो भी डिटेल दिया हुआ है एमुनेशन के रिगार्डिंग, वो अपने वेबसाइट में भी ये सिर्फ कमिंग सून ही वो डाले हैं, वो कब लॉन्च होगा और कब मार्केट में आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पहले वेपन जो भी इनका प्रोडक्शन लाइन में वेपन है, पहले ये तो जो सामने दिख रहा है ये तो पहले आ जाए, और मुझे नहीं लगता है कि ये एमुनेशन को 3-4 साल के अंदर ये आने वाला है। एक व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स कह लें या क्या कह लें पता नहीं, उन्होंने एक वीडियो के कमेंट में ये डाला है, पिस्तौल चाहिए कॉन्टैक्ट प्लीज़। तो सर हमें पिस्तौल नहीं चाहिए, क्योंकि विदाउट लाइसेंस से पिस्तौल किसी को नहीं चाहिए सर, इस तरह का कमेंट आप प्लीज़ मत डालें। चलिए मैं अपना नया वीडियो दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरे पास 73 साल पुराना डबल बैरल इंपोर्टेड गन है और वो बिल्कुल गजब की है, 100+ फायरिंग पे भी बैरल हीट नहीं होता, गन परचेस किया था। तो सर सही में अगर आप कोई भी इंपोर्टेड वेपन की अगर हम बात करें, तो उसका जो मेटल होता है, चाहे आप इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मेटल की बात कर लें, इंडियन ऑर्डिनेंस का कोई भी वेपन है अगर आपके पास और उसको आप फायर करते हैं, तो सही में आप फायर करेंगे उसके बैरल में गर्माहट नहीं आती, वो बैरल गर्म नहीं होता। इंडियन ऑर्डिनेंस का मेटल तो ऐसे भी बहुत आला दर्जे का मेटल है, बहुत फाइन क्वालिटी का मेटल है, और इंग्लिश कोई भी इंग्लिश वेपन है वो भी उसके भी मेटल के बारे में सोचना नहीं है, बहुत बढ़िया मेटल होता है। एक व्यूवर्स ने क्वेश्चन किया है कि सर मेरे पास DBBL गन है मेड बाय खजूरिया, इस मैन्युफैक्चरर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो बताएं। तो सर ये खजूरिया जो गन वर्क्स है ये कश्मीर की कंपनी थी, और अभी ऑपरेटिव है कि नहीं है ये पता नहीं मुझे। दोनाली बंदूक में साइड बाय साइड और ओवर अंडर में क्या अंतर है? सर देखिए, साइड बाय साइड जो डबल बैरल शॉट गन होता है, ये बेसिकली हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस, ऑफिस डिफेंस, होम डिफेंस के लिए रखते हैं, और ओवर अंडर गन जो होता है डबल बैरल में, ये बेसिकली जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो ट्रैप शूटिंग खेलते हैं या जो स्कीड शूटिंग खेलते हैं उनके लिए होता है। तो ओवर अंडर आप ये समझ लीजिए, ओवर अंडर वो स्पोर्ट्स गन के यूज़ में आता है, आप ऐसे शौक से आप रख सकते हैं उसको, लेकिन उसका बेसिकली मेनली यूज़ जो है वो स्पोर्ट्स के लिए है। एक व्यूअर्स ने हमें पूछा कि सर आपकी वीडियो हिंदी में होती है तब आप हिंदी में सबटाइटल क्यों डालते हैं? तो सर देखिए, मैं जो हमारा ये वीडियो है वो हिंदी में तो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन सबटाइटल मैं हिंदी के लिए नहीं डालता हूँ, मैं इंग्लिश और दूसरे लैंग्वेज के लिए डालता हूँ। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना मैंडेट है कि आप पहले हिंदी सेलेक्ट करेंगे तभी आप सभी दूसरे सबटाइटल को उसमें डाल सकते हैं, तो हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। आप कोई भी वीडियो में अगर हमारा हिंदी सबटाइटल चल रहा है तो आप CC से उसको ऑफ़ कर सकते हैं, और उसी CC से आप दूसरे लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक व्यूअर्स ने हमें बोला है कि सर इफ़ यू डोंट प्रमोट गन्स देन डोंट मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो। तो सर मैं सही में वीडियो गन्स कल्चर को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर वेपन के बारे में मैं या कोई भी यूट्यूबर अगर जानकारी दे रहा है उसके बारे में अवेयर कर रहा है लोगों को, तो सर ये एक अवेयरनेस वीडियो है, इसको आप किसी भी चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट होता है, तो अगर आप उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो वो सही में नेगेटिव है, अगर आप उसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो सर ये पॉजिटिव वीडियो है। एक हमारा वीडियो था उसमें मैंने एक पटना में मशहूर तबला वादक के साथ एक छोटा सा बात किया था मैं उनके साथ, तो एक हमारे कमेंट में बोला कि सर आप भाई अवधेश जी गुरु जी का इंटरव्यू लें। तो सर अवधेश जी जो हैं वो मैं उनको भी गुरु वो उनको भी अपना गुरु मानता हूँ, तो जब भी हमारी मुलाकात उनसे होगी मैं ज़रूर उनसे एक रूबरू करूँगा, उनका एक वीडियो ज़रूर डालूँगा। सर आप एक सेमी ऑटोमेटिक राइफ़ल का लाइसेंस क्या आम पब्लिक को मिल सकता है, जैसे 12 बोर रिपीटर आया क्या वैसे सेमी ऑटो का लाइसेंस मिल सकता है क्या? तो सर ये देखिए 2016 में अमेंड किया गया है, सेमी ऑटो राइफ़ल का लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ 0.22 ही सेमी ऑटो अगर राइफ़ल है तभी लाइसेंस मिलेगा, और वो भी स्पेशल केस में MHA से मिलेगा, वो आपको
डिस्ट्रिक्ट आपके डीएम साहब नहीं दे सकते हैं उसका लाइसेंस, अप्रूव करके वो मिनिस्ट्री को भेजेंगे, मिनिस्ट्री से ही आपको सेमी ऑटो राइफल का लाइसेंस मिलेगा और जो बोर्ड उसमें डिसाइड होगा वो 0.22 होगा, मतलब जैसे M1 ग्रैंड 3006 जो राइफल है सेमी ऑटो, तो उसका लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता। और जो राइफल M1 3006 इंडिया में है उसके जो सेमी ऑटो फंक्शन है उसको पंचर्ड कर दिया गया है, तो अब वो सेमी ऑटो नहीं है, अब वो बोल्ट एक्शन ही है। तो चलिए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ऑनलाइन गन लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। तो सर देखिए, ऑनलाइन गन लाइसेंस है तो उसका वेबसाइट है और उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर यहाँ मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ से आप उसको प्रॉपर उसके ऊपर कोई फॉलो अप लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो सिर्फ मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऑफलाइन जब हम लोग अप्लाई करते हैं लाइसेंस को तो उसका फॉलो अप तो वो लोग देते ही नहीं है, तो ऑनलाइन का फॉलो अप क्या देंगे। DBBL गन लाइसेंस पे पंप एक्शन का वो परचेस कर सकते हैं क्या? सर देखिए, 2016 आर्म्स एक्ट 2016 में ये अमेंड किया गया है कि शॉटगन, चूँकि DBBL एक शॉटगन कैटेगरी में आता है, तो शॉटगन में अब ना DBBL लिखाता है, ना SBBL लिखाता है, ना सेमी ऑटो लिखाता है, ना पंप लिखाता है, सिर्फ और सिर्फ ML/BL लिखाता है। ML का मतलब हो गया मजल लोडर और BL का मतलब हो गया ब्रिज लोडर। तो अब जो भी लाइसेंस आपका इशू होता है शॉटगन का वो ML/BL होता है, तो जितने भी शॉटगन चाहे वो डबल बैरल हो, चाहे वो सिंगल बैरल हो, चाहे वो सेमी ऑटो हो, चाहे वो पंप एक्शन हो, वो BL कैटेगरी में आता है। तो अगर आपके लाइसेंस पे BL है लिखा हुआ तो आप कोई भी शॉटगन ले सकते हैं, और अगर डबल बैरल लिखा हुआ है तो आप एक एप्लीकेशन अपने DM ऑफिस में दें कि 2016 आर्म्स एक्ट में के रूल के बाद ये पैरामीटर्स है, तो जो DM साहब इस बात को जानते तो सभी हैं, बदमाशी तो नीचे वाले लोग करते हैं, नीचे वाले कर्मचारी करते हैं, लेकिन आप DM साहब से मिले, अपने एप्लीकेशन को दें और वो चाहें तो आपके डबल बैरल शॉटगन को के लाइसेंस पे वो अमेंड करके आपको BL कर देंगे। तो अगर BL हो जाएगा तो आप पंप एक्शन या सेमी ऑटो कोई भी आप गन ले सकते हैं। एक व्यूअर्स ने हमारे वीडियो पे कमेंट किया था कि अवधेश की नकल मत करो, तुम्हारे वीडियो पे स्ट्राइक मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं उन भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि सर अगर आपको उनकी इतनी चिंता है तो प्लीज़ उनका नाम जो है ना थोड़ा रिस्पेक्ट से लें, क्योंकि मैं ही इज़ अ लेजेंड, अवधेश जी, अवधेश सर जो हैं वो लेजेंड हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी उनको अपना गुरु मानते हैं। तो प्लीज़ उनका नाम तो पहले रिस्पेक्ट से लिया कीजिए। और बात रही कि उनके वीडियो की कॉपी करने की, तो सर देखिए वेपन तो एक ही है, एक वेपन पे जो राय उनका उनका है, हो सकता है कि उनसे कुछ चीज़ मैं सीखा हूँ, उनसे कुछ चीज़, चूँकि मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, उनसे कुछ चीज़ सीखा हूँ, उनसे कुछ जानकारी मुझे मिली हो और वो उस वेपन के बारे में मैं भी वही राय रखता हूँ, तो आपको हमारे वीडियो में वो सिमिलैरिटी तो मिलेगी। और रही बात कॉपी मतलब स्ट्राइक की कि यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक आएगा, तो यूट्यूब के तरफ से स्ट्राइक सेम टू सेम वीडियो पे आता है, ना कि एक ही टॉपिक पे किसी यूट्यूबर का अगर कोई राय है और मेरा भी वही राय है तो उस पर स्ट्राइक नहीं आता है सर। और प्लीज़ अवधेश सर वो लेजेंड है, मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता और मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, तो प्लीज़ आप उनका नाम जो है थोड़ा रिस्पेक्ट से लें। चलिए, मेरे एक व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि मेरे पास ऑल इंडिया लाइसेंस 12 बोर्ड SBBL पंप एक्शन का है, तो क्या मैं उसको प्रोसेस करके चेंज करके, हाँ SBBL 12 बोर्ड SBBL है और पंप एक्शन ले सकता हूँ कि नहीं? तो सर ऐसे भी पहले भी अगर 2016 से पहले की भी बात करें तो जिसके लाइसेंस पे SBBL का लाइसेंस था वो पंप एक्शन ले सकता था, चूँकि SBBL पंप एक्शन गन या सेमी ऑटो गन जो है वो सिंगल बैरल शॉटगन ही है, तो आप SBBL का लाइसेंस है तो आप पंप एक्शन शॉटगन ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपना जो वेपन है एग्जिस्टिंग वेपन उसके लिए आपको अपने DM साहब से परमिशन लेके, सेल परमिशन लेके उस वेपन को सेल करना होगा और अपने लाइसेंस को खाली करके फिर आप दूसरा पंप एक्शन या शॉटगन, पंप एक्शन या सेमी ऑटो
वो शॉटगन ले सकते हैं और फिर उसको अपने लाइसेंस पे आप चढ़ाएंगे। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन आंसर एपिसोड 2 था। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे देना था और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा कि मैं उसके बारे में बताऊं, जो जो पॉइंट मुझे अच्छा लगा, महत्वपूर्ण लगा, जिसके बारे में मुझे बताना चाहिए, मैं उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आंसर जो एपिसोड है हमारा दूसरा, वो पसंद आया होगा। और आप प्लीज़ हमारे, आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत लोग ये सिर्फ वीडियो देखते हैं और उसको लाइक नहीं करते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।